हाँ जी, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का नाम आते ही मन में गुदगुदी छा जाती है और लगता है कि बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। पूल लग्जरी आइटम मानते हैं, लेकिन हम आपके लिए बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और कम खर्चे वाला पूल लेके आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप पूल देख रहे हैं, ये 5 फुट by 7 फुट का पूल है। इसको एक ही पीस में बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं फाइबर ग्लास का पूल। गहराई इसकी 2.5 फुट है और इसमें एक बेंच भी लगाई हुई है लोगों के बैठने के लिए। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा पूल, ये बार बार पानी कैसे भरेंगे? तो हम आपको बता दें कि इसमें एक ही बार पानी भरा जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि इसके पानी को साफ रखता है। एक बार हम पानी भरते हैं, ये फिल्टर है, ये इसके अंदर एक क्लोरीन हटाने के लिए डिस्क, जिससे बैक्टीरिया पैदा ना हो और पानी गंदा ना हो, क्लोरीन डाला जाता है। तो जितने भी यहाँ पूल होते हैं दुनिया में, उसमें ये दो चीज़ें हमेशा होती हैं। हमने क्या किया है कि इस सिस्टम को एक छोटा सा हैंडी बना दिया। ये जो पूल है, आप ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर कहीं भी रख सकते हो, छत पे रख सकते हो। वज़न इसका इतना कम है कि छत के कोई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, उठाया और रख दिया। पूरा का पूरा फैक्ट्री में बन के आता है। पूरा का पूरा पूल क्रेन से उठाते हैं, आपकी जगह पे रख देते हैं। आजू बाजू में बैठने के लिए एक WPC का डेक, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ साथ में बन जाती है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, अभी जब हम पानी देख रहे हैं थोड़ा सा, मतलब ये क्लीन नहीं है, तो इसका क्या रीजन है? क्या तो ये जो एग्जीबिशन में पूल लगाया गया, इसमें टैंकर से पानी भरा गया था, ये परसों हरा था, आज ये क्लीन हुआ है। 2 दिन बाद स्पार्किंग ब्लू मिलेगा जो आपके घर पे रखा जाएगा। तो धीरे धीरे साफ होता है, साफ होने के बाद वही पानी हम पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। ना पानी इसमें डाला जाता है, ना पानी निकाला जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक साल तक ये पानी ऐसे ही रहेगा? जरूर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं 0% वाटर वेस्टेज। इसमें ना एक बूंद पानी डालना है ना निकालना है। तो लोगों को ये रहता है कि इतना बड़ा पूल बनाएंगे या बड़ा पूल बनाएंगे, पानी कहाँ से रोज़ भरेंगे, कहाँ से निकालेंगे? तो मैं आपको बता दूँ, एक बार पानी भरा जाता है, ना उसमें निकाला जाता ना भरा जाता। इवन 5-star होटल में भी, जितने बड़े पूल होते हैं या ओलंपिक साइज पूल, कहीं पर भी पानी हर हफ्ते ना निकाला जाता ना भरा जाता। साल में एक बार भरते हैं, एक बार निकालते हैं, वो भी मेंटेनेंस के लिए। इसी मशीन के लिए जो पानी साफ करती है, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ अलग से जगह बनाने की। इसी के नीचे जो सीढ़ी लगी है, यहीं पे सारा सिस्टम आ जाता है। इसमें हम जकूजी जेट्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी लगा सकते हैं। इसमें एक ड्रेन पाइप भी है, जब कभी खाली करना हो, एक वाल खोलो, सारा पानी निकल जाता है। इस पूल को मेंटेन करने का खर्चा, बिजली जो थोड़ी बहुत क्लोरीन डलेगी, 500 रुपीज़ पर मंथ, जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ, जो कि एक चॉकलेट से भी कम खर्चा है। तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि पूल मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, अच्छा पूल यूज़ करें, अच्छा मटेरियल यूज़ करें, तो पूल एक बहुत ही सस्ता और सुलभ साधन हो सकता है। और लास्ट में बात की जाए इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग क्या रहेगी इसकी अगर कोई परचेज कर रहा है आप लोग? देखो, जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूल की कॉस्ट जब मैं बताऊँगा, आप सुन के कहेंगे कि ऐसा भी होता है। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, वो सुन के आप चौंक जाएंगे। इस पूल की जो कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक फ़ोन से भी कम है। और ये 12 साल तक टिकने वाला पूल है, 1 साल तक पानी भरा रहेगा ये वाला पूल है। इसकी कीमत है 1,99,000 रुपये। इंट्रोडक्टरी प्राइस है, 25% डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। 1,99,000 रुपये दीजिए, ये पूल आपके घर पहुंच जाएगा। इस पूल के बाकी के बेनिफिट्स जो सर ने नहीं बताए हैं, वो मैं बता देती हूँ। घर में ये खुशियाँ लाता है, नो डाउट। तो उसमें हमसे सबसे पहले हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ही बोलूँगी, उसमें इंजॉय करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पेट्स, जो मैंने अपने घर में खुद ही देखा है कि वो इतना उसमें नहा के, जब उनका मन होता है तब जाके स्विम भी करते हैं, उससे वो स्विमिंग सीखते हैं। उनका मेंटल जो है पेट्स का, जितना भी वो हाइपर रहते हैं, उसमें उनमें कामनेस आती है पेट्स के अंदर।
तो मेरे डॉग खुद के घर के अंदर इस पूल को मेरे से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जिनके घर में पेट्स हैं वो मना ना करें, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम 100% इतना अच्छा है कि विद इन 2 आवर अगर आपका कोई इन्फेक्शन भी आया या इसमें कोई बाल भी आया तो पूरा का पूरा उसे क्लीन कर देते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर एवरी होम, आई मस्ट से कि सबको ये यूज़ करना चाहिए। वन मोर थिंग, इसमें हम हीटिंग कर सकते हैं एंड द पर्पस ऑफ हीटिंग इज़ दैट कि हमारे बुज़ुर्ग या हमारे कोई भी रिहेबिलेशन में, सपोज़ हमारी किसी के बोन में चोट है या किसी को फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके लिए हम इसमें आपकी हाइड्रोथेरेपी कराते हैं। काफ़ी सेंटर्स हैं जो इनको लेते हैं, इसे आप घर में भी रख सकते हैं। ये इसके साथ साथ हमारे पास छोटा भी हाइड्रोथेरेपी का एक पूल है जिसमें हीटिंग भी होती है, तो कस्टमर उसको अपने बेनिफिट्स के लिए उस तरह से भी यूज़ कर सकता है। दिस पैकेज कम इन वन होल पैकेज, तो इसी के अंदर भी हीटिंग हो सकता है और अलग से भी आप रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी मैम और सर ने आपको अभी पूल के जो बेनिफिट्स हैं वो बताए होंगे, एंड इसके अदर बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपने पूल पार्टी कर सकते हैं आप, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ पूल पार्टी वगैरह कर सकते हैं आप, फ़न कर सकते हैं। आपको पता है समर्स के टाइम पे पूल पार्टी का कितना ट्रेंड होता है, तो आप अपना घर पे लगाइए पूल, फ्रेंड्स को बुलाइए, पार्टी कीजिए एंड बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। And tell me what's wrong and why you're not